NTAUGCNET, UnImageNet, download it on Google Play Store. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमिजनेट प्रो पे। दोस्तों आज का जो इंटरव्यू है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत हाई फाई इंटरव्यू देखे होंगे कि इसने 100% मार्क्स लेके आया है, ये इसने GRF क्वालिफाई किया, लेकिन कोई भी लोग उन लोगों की बात नहीं करता जो बेचारे असफल हुए, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। आज का जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होगा। इसमें आप अपने आप को रिलेट करके चलेंगे, आप देखना आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमारी ही बात कर रहे हैं। तो हम कोई हाई फाई इंटरव्यू नहीं करने वाले, हम बिल्कुल सिंपल करने वाले। ऐसा लगेगा जैसे कि ये हमारी ही बात कर रहे हैं। वो जो संघर्ष आप लोगों ने किया है, जो सफलता आप लोगों को नहीं मिली है, कहाँ पे आपकी कमी रही है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ कमी है, कहाँ पे हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। और एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसा कि हमेशा से कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगी। तो आज है हमारे साथ हमारे दोस्त पिंकी जी हैं, तो ये आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि किस तरह से इनको डिफ़िकल्टी आई, किस तरीके से इन्होंने किस तरह से ये डीमोटिवेट हुए और कैसे इन्होंने नेट क्वालिफाई किया, दो बार नेट क्वालिफाई किया। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो इंटरव्यू है कोई हाई फाई इंटरव्यू नहीं हो रहा है जैसे और लोग करते हैं, वैसे नहीं, हमारा बिल्कुल सिंपल इंटरव्यू है और आप लोगों से, आप लोगों की जीवनी से ही रिलेटेड है ये। तो जब हमारे दोस्त पिंकी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे दोस्त पिंकी का। पिंकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। तो ये देखो अभी आप इन्हीं की जुबानी से हम सुनते हैं कि सबसे पहले इनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कब से यूजीसी नेट की तैयारी करनी शुरू की और कब इनका क्वालिफाई हुआ था। तो पिंकी जी बताइए, आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना सब्जेक्ट बताइए, अपना सब्जेक्ट क्या है पेपर टू। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा रिपीट करना। नमस्कार सभी को, मेरा नाम पिंकी है और मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है जिससे मैंने दो बार नेट क्वालिफाई किया है और इसी में मैंने अपना जो स्कूल व्याख्या का पेपर होता है एसटेट को भी क्वालिफाई किया है। अच्छा, वेरी गुड जी, बहुत बहुत बधाई। और ये अब जैसे वो बात आती है कि आपने शुरुआत कब से की थी, यूजीसी नेट की तैयारी करने कब से शुरू की थी आपने? यूजीसी नेट की तैयारी वैसे तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2012 में दिया था जब मेरी एमए कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अलग बीएड वगैरह की थी, लेकिन दोबारा से जो मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की थी वो 2017 से स्टार्ट की थी। 2017 से लेके मैंने हर अटेम्प्ट दिया है, छह महीने बाद जो जो भी होता था हर टाइप से दिया, तो और अपनी तैयारी जारी रखी थी। आपका यूजीसी नेट क्लियर कब हुआ? मेरा यूजीसी नेट दिसंबर 2018 में क्लियर हुआ। जाके दिसंबर 2018 में क्लियर हुआ, तो आपने अटेम्प्ट दिए हैं ये मानो 17 के दो हो गए और 18 के दो हो गए, तो चौथे अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जैसा आपने बताया कि आप पहले भी कोशिश कर चुके हैं, 2012 में भी कर चुके हैं, बीच में भी आपने कोशिश की है, तो काफी संघर्ष रहा है आपका। तो एक चीज और बताइए कि जैसे आप ये जर्नी चल रही थी आपकी, तो आपको कितना डीमोटिवेशन हुआ आपका जब आपके साथ के जो दोस्त थे उनका नेट क्लियर हो जाता, जेआरएफ हो जाता, तो आपको कैसा फील होता था, क्या होता था उस टाइम? दूसरों को देख के तो देखिए लगता है कि हमारे साथ वाला कर गया, हम भी वही पढ़ रहे थे और वो भी वही पढ़ रहे थे, परंतु होता क्या है, हम अपनी कमियां देखें, पीछे के पेपर देखें, हम वहाँ क्या गलती करके आए हैं, क्या कमी हमने छोड़ी है, उनको एनालाइज कीजिए और अपनी कमियों से सीखिए, तब जाके आपका क्लियर होगा। बुरा तो लगता है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते जब आपके साथ वाले सेम ही चीज कर रहे हैं, सेम ही तैयारी कर रहे हैं, उनका हो जाता है और हमारे नहीं होता। और दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसे आप अपने से रिलेट करके देखना, आप में से काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है, वो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें, हम अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार
नहीं होगा यार, मेरा नहीं होगा, और बहुत रोना आता है हमें, अंदर से बहुत रोना आता है। आप लोगों को ऐसा हुआ होगा, तो ये चीज़ आपके साथ भी हुई थी कि आप इनके से भाई ऐसा लगा हो कि नहीं यार अब तो नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल अंदर से टूट गए हो, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? बिल्कुल सर ऐसे ही होता है, क्योंकि हम हर बार देते हैं अपना पेपर मिलाते हैं और हमारा परसेंट है बहुत ही कम होता था, हमारे साथ वाले हमसे ज्यादा कर जाते थे। बिल्कुल यूं होता था हर बार कि अब तो नहीं देना, अब तो देंगे ही नहीं पेपर को, और फिर सर के चल पड़ते थे, फिर लग जाते थे अपन तैयारी में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। अभी जैसे अपने काफी दर्शक देख रहे हैं, उनके मन में भी करंटली ऐसा हो रहा है। काफी दोस्तों के मेरे पास मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे, वो कह रहे थे कि सर बिल्कुल टूट चुके हैं, अब हमसे नहीं होगा और हम बिल्कुल हार मान चुके हैं, हमारे किस्मत में ही नहीं है, ठीक है, इस तरह के ख्याल हमारे आने लगते हैं। तो ये ख्याल सभी दोस्तों के, काफी दोस्तों के मन में है, और यही ख्याल आपके मन में भी आया था उस टाइम। तो इस वक्त पे हमें क्या करना चाहिए, ये इसके बारे में बताइए, कैसे हम दोबारा से उठ के खड़े हों और तैयारी करें, क्या डिसीजन लें, क्या करें उस टाइम? दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट 2021 एग्जाम में निमिज नेट के साथ में 14 दोस्तों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और 65 दोस्तों का नेट क्वालिफाई हुआ है। अब आप भी हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छे से तैयारी करके आप अपना नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी 12 मार्च से हमारा जून 2022 के लिए न्यू बैच शुरू हो रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी कॉस्ट दोस्तों बहुत ही नाम मात्र है। 6 महीने की स्टडी आप केवल 600 रुपये में कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको नेट और जेआरएफ चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ओल्ड 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिज नेट है तो जेआरएफ है। उस टाइम तो देखिए ऐसा लगता ही है, लेकिन थोड़े टाइम अपने को रिलैक्स रखिए, योगा मेडिटेशन वगैरह कीजिए, एक बार सब बोलेंगे आपका खुद का मन भी यही कहेगा कि छोड़ दो नहीं करना, खुद को रिलैक्स रखिए एक बार तो, और फिर थोड़ा टाइम दीजिए खुद को ही, खुद से बातचीत कीजिए इस बारे में कि करना है तो करना है। यही प्रोसेस होता है कि आप खुद से, आप जितना अंदर से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना उतनी जल्दी ही आप पेपर को क्लियर करोगे कि नहीं ये मेरे को करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा, और एक और चीज जो कॉमन है हम सभी के बीच में, कि जी जैसे सर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ उस टाइम जब आप काफी बार अटेम्प्ट दे रहे थे, तो सराउंडिंग में क्या आपको प्रतिक्रियाएं मिल रही थी, लोग आपको क्या बोल रहे थे, क्या था, कैसा माहौल था उस टाइम, क्या होता था उस टाइम? ये तो सर आपको भी पता, आप मेरे साथ ही होते थे। यस यस यस, हम मैं सभी को बता दूं कि हमने और पिंकी ने एक साथ स्टडी की थी यूजीसी नेट की, और अब मैं क्या बताऊं, इसे सौभाग्य बताऊं या दुर्भाग्य बताऊं कि मेरा पहले हो गया, इनका बाद में हुआ नेट, तो बस हाँ कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी तो ये बात होती है। बट ये एक चीज़ है, ये बिल्कुल सही है कि जब हम वो होते ना फेल हो जाते हैं, तो हमें बहुत लोग कहते हैं, हमारे यार दोस्त है, रिश्तेदार है, वो बहुत प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, तो वो आपको भी मिली होगी, अभी सभी दोस्तों को मिल रही होगी, आपके यार दोस्त कह रहे होंगे, रिश्तेदार कह रहे होंगे कि तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तू इतने दिनों से दे रहा है, तू वो देख फलाने का लड़का देख उसने कर लिया, वो लड़की देख उसने कर लिया, तो ये चीजें आप में भी हुई है पिंकी जी, तो आपने उन चीजों को, सर, वो एज ए एक डिप्रेशन होता है हमारे अंदर, तो उस डिप्रेशन को हम कैसे हैंडल करें, कैसे सही करें उस चीज को? देखिए सब कहेंगे स्टार्टिंग आपके घर से होगी, क्योंकि वो आपको टाइम दे रहे हैं, पैसा भी लगाते हैं, ठीक है, समय भी देते हैं और तैयारी करने का हर तरीके से मौका भी देते हैं, तो सबसे पहला उन्हीं का बनता है आपको खुद सुनाने का। बाहर वाले तो बात की बात है, लेकिन जो
उस चीज को आप, अगर आपको कोई कुछ कह रहा है ना, उसको आप नेगेटिव मत लीजिए, उसको आप एक चैलेंज की तरह लीजिए कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है और अब ये मेरे को करना है और मुझे इन लोगों का मुंह बंद करना है। देखिए, यूं मुंह से लड़ाई करने से कुछ नहीं होता, आपका रिजल्ट बोलता है। आप पढ़िए और जितना हो सकता उतना पढ़िए, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप शॉर्टकट लेके और यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। एक लंबी तैयारी चाहिए। देखिए, सभी का अपना अपना IQ होता है, कोई एक अटैप में निकाल लेता है, कोई दो में निकाल लेता है, लेकिन जो एवरेज होता है, मैं कोई वो नहीं हूँ कि भाई हाँ आई थी फटाफट तैयारी की और मैंने कर लिया, मुझे बहुत लंबा टाइम लगा है चीजों को समझने में, चीजों को करने में। और उसी तरह से मैं आप सबको तो यही कहूंगी कि भाई हर बातों को चैलेंज के रूप में लीजिए और अपना बेस्ट कम बेस्ट दीजिए। यहाँ पे हमारे सामने दो ही चीजें मेन इम्पोर्टेंट होती है जो निकल के आती है। नंबर एक तो कि उसे आप चैलेंज लेके चलिए, भाई मेरे को करना है तो मतलब करना है, हर हालात में मेरे को करना है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज क्या है कि आप उस चैलेंज के साथ साथ ये देखिए कि आप कमी कहाँ पे, कहाँ कमी रह रही है। तो इसमें पिंकी आपको क्या लगता है कि हाँ, जिन दोस्तों का नहीं हो पाता, जैसे कि आपने 4-3 अटेम्प्ट दिए, आपका फेल हो गया, चौथी बार आपने दिया, तो जब आप चौथी बार आपने दिया तो आपको अपने आप में क्या लगा, क्या आपको ऐसा लगा भाई पहले मेरे 3 अटेम्प्ट में ये कमियां थी? तो ऐसा क्या होता है कि दोस्तों का बार बार फेल हो जाता है? मेन रीजन क्या मानते इस चीज को आप? देखिए, कई दोस्त ऐसे बोलते कि किस्मत, कई दोस्त किस्मत को दोष देते हैं, बट आप बताइए क्या है इसमें? किस्मत तो उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, सबसे पहली बड़ी बात तो यही है, ठीक है। दूसरा, आप फेल होते हैं तो सबसे पहले आप देखिए आप गलती क्या करके आए उस पेपर में, अपनी गलती को पकड़िए। आपने फर्स्ट पेपर में ज्यादा गलत की है या आपने सब्जेक्ट में ज्यादा गलत की है, अपनी उन गलतियों को देखिए, उनमें सुधार करने की कोशिश कीजिए, जो कमी है उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। अभी UGC नेट वाले या NTA वाले अपने को पर्सनली तो जानते नहीं कि आपको जान करके फेल कर देंगे, ऐसा तो कुछ होता है नहीं। हमारे में कुछ ना कुछ कमियां होती है, तब हम पीछे रहते हैं। और ये बिल्कुल सही कह रहे कि हमें कमियां रहती हैं, बहुत कमियां होती है हमें। होता क्या है कि जैसे मैंने कई स्टूडेंट से बात की है तो वो पता है क्या बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि सर मेरे को ना ये कॉन्सेप्ट आता है, ये मैथ के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम के अंदर जाते हूँ तो ब्लैंक हो जाते हैं, मेरे को पता नहीं चलता क्या है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ, वो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। वो क्या करते हैं कि जैसे मान के चले कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है, तो वो 2 बार करके देखेंगे, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है कि 2 बार कर लिया तो हमें आता है, एग्जाम से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2 बार करेंगे उन्हें ये लगता है कि हाँ मेरे को आता है, ये चीज मेरे को आती है, लॉजिकल रीजनिंग 2 बार पढ़ेंगे वो कहेंगे कि हाँ मेरे को आता है, ठीक है। और जब वो एग्जाम के अंदर जाएंगे ना, तो एग्जाम में उनको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज तो मेरी पढ़ी हुई है, लेकिन यार अब बिल्कुल से ब्लैंक हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा यार इसका आंसर क्या होगा। उसे वो है ना, कच्ची जानकारी होती है, आधी अधूरी जानकारी होती है। अगर वो इंसान उसी चीज को 4-5 बार करे ना, तो उसको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वो चीजें। तो ये चीजें भी मेरे को लगती है, तो मेन चीज यही है कि सबसे पहले तो आप धैर्य रखिए और अपने पूरे जोश के साथ दोबारा से खड़े होइए। और देखिए, ऐसे लिस्ट बनाइए, ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपको नहीं आते हैं, और उनको एक या दो बार नहीं, कम से कम 4-5 बार कीजिए। अभी जैसे अपने पास कम से कम 4-5 महीने का टाइम है, तो इसमें आप कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि आपका पेपर सेकंड हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री नहीं सर, पॉलिटिकल साइंस है। सॉरी, पॉलिटिकल साइंस है आपका। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने जैसे 2 बार क्वालिफाई किया है UGC नेट, और 1 बार HTET क्वालिफाई किया ना आपने? HTET क्वालिफाई किया है। तो हमें जैसे UGC नेट के बारे में बात करें, तो इसमें पेपर सेकंड में, तो आपके सब्जेक्ट के अंदर किन किन टॉपिक में हमें ध्यान देना चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो आपका कॉमन है हमारे पॉलिटिकल साइंस में, हम जो पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी इन पे पूरा फोकस करना चाहिए, इनके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। आप नोट्स बनाइए, आप रेगुलर उसको पढ़िए, जैसे भी करना है ये 2 यूनिट अच्छे से कीजिए।
ये कॉमन चीजें हैं, क्योंकि इनको हम छठी से शायद सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, छठी क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं धीरे 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 करके, और फिर हम ज्यादा ब्रीफली होके पढ़ते हैं आगे तक जाके। तो मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो दो तो पहले यही होंगे, और फिर बाकी के फिर रह जाता हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरन पॉलिसी, ये भी हम न्यूज पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो इन चीजों से हम गो थ्रू होते रहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर ज्यादा कमांड लेने चाहिए। और फिर उसके बाद रहता है आपका कंपैरेटिव पढ़ते हैं हम, इसमें वेस्टर्न और इंडियन थॉट पढ़ते हैं, फिर आप इन पे फोकस कीजिए। और इनकी कोई बुक्स हो, अच्छी बुक्स हो वो बताइए, कौन सी बुक्स बताएंगे आप? बुक्स तो वैसे तो बहुत सारी है, पर जो मैंने पढ़ी है मैं आपको वो बताती हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एम लक्ष्मीकांत है, ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एम लक्ष्मीकांत जो मैंने पढ़ी थी, और आईआर की मैंने तीन चार बुक्स पढ़ी थी, जैसे एक तपन विश्वाल की है, बीएल पढ़िया, और थॉट की मैंने ओपी गब्बा पढ़ी थी, थ्योरी की मैंने ओपी गब्बा से पढ़ा था, ये सारी बुक्स पढ़ी थी अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और यूं बहुत सारी बुक्स आई हुई है जिनमें कि आपका सब्जेक्ट का क्या है कुछ ब्रीफली दिया हुआ। अच्छा एक चीज और होती है इसके अंदर, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत दोस्त पूछते हैं कि ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना रोल है इसके अंदर, आपके सब्जेक्ट में कितने एक रिपीट होते हैं, कितने परसेंटेज रिपीट होते हैं क्वेश्चन? देखिए डायरेक्ट रिपीट तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन दिया जाता है। और जैसे कि प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, आपको पुराने पेपर की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना कर सके उतना कीजिए, उन्हीं में से और क्वेश्चन निकालिए कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि मैं बताऊं कि मैं पेपर फर्स्ट का एक्सपर्ट हूँ, सेकंड के बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज है, तो पेपर फर्स्ट के अंदर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं हर साल विद प्रूफ दिखाता हूँ आपको, 50 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से आए हुए होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता कि आप लोग ना यकीन नहीं करेंगे कि डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आता है, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन, उसकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम होती है। तो पेपर फर्स्ट के अंदर तो मैं कहता हूँ कि बहुत रिपीट होते हैं, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्रूफ के साथ हमने दिखाया हुआ कि ये क्वेश्चन 2012 में भी आया है, 20 में भी आया, 2009 में भी आया। एक हम क्वेश्चन करते थे अगर आपको याद हो तो, पेट्रोल वाला क्वेश्चन हम करते थे, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो हाँ जी हाँ तो ऐसा क्वेश्चन था, वो 2009 में भी आया वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन 2020 में भी आया, 2014 के करीब भी आया है, तो देख लो 2009 से रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन है ऐसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर, तो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर हमें करना चाहिए और यूनिट वाइज करना चाहिए, जैसे कि रिसर्च में आज तक जो भी आ चुके हैं वो अलग, और अगर आपको जीआरएफ चाहिए ना तो ऐसे ही पेपर सेकंड में आपके टॉपिक होंगे, टॉपिक वाइज आपको मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, टॉपिक वाइज अलग अलग कीजिए क्वेश्चन, और उनमें देखिए ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और क्या चीज़ क्या सीक्वेंस उनकी चल रही है। और सभी दोस्तों को एक और मैं अच्छी न्यूज़ दे देता हूँ कि आपको 2012 से लेकर 2020 तक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद आंसर, 2020 नहीं, अभी 2021 के भी आ गए हमारे पास पेपर, वो हमने ले लिए, तो वो आपको मिल जाएंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जी। तो और बताइए पिंकी जी, और कोई आपका टिप्स हो? और एक और चीज़ मेरे को याद आ रही है इसी बीच में, जैसे कि हम काफ़ी दोस्त तैयारी करते थे यूजीसी नेट की, आपको पता है, तो उनमें आप बताना, मैं तो अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उसमें से जैसे 100% में से 80% मेरे को लगता है कि यूजीसी नेट क्लियर हो गया है दोस्तों का, तो हाँ जी हुआ है, ऐसा हुआ है ना ये हाँ जी बिल्कुल हुआ है। हाँ ये देखो कितनी, चलो हो सकता है 80 का हो सकता है 70, हम थोड़ा अंदाजा लगा रहे हैं ना, एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, बट यहाँ से एक बहुत बड़ी अच्छी चीज क्या निकल के आ रही है जो सभी दोस्तों के लिए मोटिवेशन का काम करेगी, वो ये है कि आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमने हमारे बैच में देखा है कि करीब 70 से 80% दोस्तों का नेट क्वालिफाई हुआ है, जीआरएफ भी हुआ है, और वो लेकिन उन सभी में एक कॉमन बात थी, वो ये थी कि उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी, वो कंटिन्यू करते रहे 3-4-5 अटेम्प्ट तक वो तैयारी करते रहे और उनका नेट जीआरएफ क्लियर हुआ। और तो ऐसे ही दोस्तों आप सभी दोस्तों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तैयारी करते रहिए, मैं मानता हूँ कि
जब नेट डिस्क्वालीफाई होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब तो हम नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम है, यार दोस्त क्या कहेंगे। लेकिन हमें हार नहीं माननी है, और आप सभी दोस्तों का नेट और जीआर ज़रूर होगा, ये मेरी कामनाएं, शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों के लिए। जी तो और कुछ कहना चाहेंगे आप पिंकी जी, बताओ। और बस यही है, लोग बोलते हैं बोलते रहेंगे, आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए और जो भी वो कहते हैं उसको एक चैलेंज के रूप में लीजिए कि हाँ हमें किसी ने कहा है। और जैसा कि आप बोल रहे थे कि सब्र के साथ तैयारी कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। जी तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा। और बताना आपको कैसा लगा है, क्या आप आपने अपने जीवन से इसे रिलेट किया, आपको लगा है कि ये हमारा ही इंटरव्यू था। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई हाई फाई इंटरव्यू नहीं करने वाले, बिल्कुल सिंपल अपने लाइफ से रिलेटेड बातें हम करने वाले हैं। और ये स्पेशल आप दोस्तों के लिए था जो डीमोटिवेट हो गए, उन सभी दोस्तों के लिए है। तो जब पिंकी कर सकती है और दोस्त कर सकते हैं, और भी मेरे कई दोस्त हैं, जो एक है शिव कुमार है, उनका भी इंटरव्यू लेंगे, तो वो 2012 से पेपर दे रहे थे, आप यकीन नहीं करेंगे, 2012 से कंटिन्यू पेपर देते हुए आ रहे थे, 2018 में जाके उनका क्लियर हुआ। तो बहुत संघर्ष किया है, तो संघर्ष करने वालों की जीत जरूर होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और कोई भी कमेंट है आपका, कोई सवाल जवाब है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, पिंकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ धन्यवाद। टाइम देने के लिए, थैंक यू जी। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।